हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सीएसएस सीखने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन और एनिमेशन, ये दो प्रॉपर्टीज होती है। इसमें से आज इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी होती है और जो एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है वो एक जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो दोनों में काफी अंतर आपको नजर आने वाले हैं। ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट जो करना है वो काफी आसान है, मतलब ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना काफी आसान है। अगर आपको कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन लगाना हो तो आप ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन अप्लाई करना हो तो आपको एनिमेशन का यूज करना पड़ेगा। एक अंतर ये हो गया। अगला अंतर है, ट्रांजैक्शन केवल एक बार ही अप्लाई होता है, मतलब आप ट्रांजैक्शन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमेशन को आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं HTML के किसी भी एलिमेंट्स पर। ये मुख्य अंतर थे ट्रांजैक्शन और एनिमेशन के अंदर। आज हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए सबलाइन में चलते हैं। ये हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में जो डिव के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई की थी उसी का आउटपुट है। इसी में अपन ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे। ये मेरा ये डिव के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर मैं ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के लिए मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन, क्या लिखनी है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी लिखनी है। ये लिखनी है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूं ये जो डिव है इसके ऊपर, ये जो डिव है इसके ऊपर, इस डिव की मैं हाइट चेंज करना चाहता हूं। चलिए विड्थ कर लेते हैं, विड्थ चेंज करना चाहता हूं। इस डिव की क्या चेंज करना चाहता हूं, विड्थ। तो आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी और विड्थ। उसके बाद में आपको इसका ड्यूरेशन देना होगा, तो आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन। क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन लिखना है। मैं चाहता हूं ये जो ट्रांजैक्शन है ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। अब स्टूडेंट आपको ध्यान यहां ये देना है कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी लिखने मात्र से ये प्रॉपर्टी रन नहीं होती है, इसको ट्रिगर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रिग करना पड़ता है। ट्रिग को कहते हैं कॉलिंग। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस डिव के ऊपर होवर करूं, जब मैं इस डिव के ऊपर होवर करूं तो विड्थ मेरी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो होवर प्रॉपर्टी, होवर सुडो क्लास लगानी पड़ेगी अपने को। डिव करता हूं मैं होवर और क्या हो जाए, विड्थ, क्योंकि ऊपर अपन ने क्या लगाई है, विड्थ लगाई है। विड्थ हो जाए 500 पिक्सल। क्या हो जाए, विड्थ कितनी हो जाए, पहले कितनी है विड्थ अपनी 200 पिक्सल है, अब अपन क्या चाहते हैं विड्थ कितनी हो जाए, 500 पिक्सल हो जाए। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में इनमें से किस प्रॉपर्टी में आपको चेंजेज करना है वो प्रॉपर्टी आप यहां लिखेंगे। उसके बाद में ड्यूरेशन आप जो देना चाहें, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड वो देना चाहेंगे, और फिर इसको ट्रिक करना पड़ेगा। होवर के थ्रू मैं ट्रिक कर रहा हूं, इसको करता हूं सेव और इसका दिखाता हूं आपको आउटपुट। तो देखिए अपना पीसीसी ही आ रहा है, तो पहले मैं इसका थोड़ा सा कलर और चेंज कर देता हूं। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी यही कलर लिया था, अपन ले लेते हैं ग्रीन। कैसा ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन चेक करते हैं कैसा आता है, ठीक है, ये ग्रीन सही है। अब इसके ऊपर मैं होवर करूंगा तो विड्थ 200 से कितनी हो जाएगी, देखिए कितनी हो गई है, 500 पिक्सल हो गई है। ये ट्रांजिशन इस पे क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। अगर आप चाहें इसकी हाइट करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इसकी क्या हाइट, मैं चाहता हूं इसकी हाइट कितनी हो जाए, 500 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, अब देखिए क्या बड़ी हाइट बड़ी है।
तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, और अगर चाहें तो अपन सभी प्रॉपर्टी का भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट विड्थ मैंने आपको बढ़ा करके बता दी है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूं, मैं चाहता हूं इसकी फॉन्ट साइज बढ़े। क्या बढ़े? फॉन्ट साइज। तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लिखा मैंने, पहले 100 पिक्सल है तो अपन चाहते हैं कि 300 पिक्सल हो जाए। कितनी हो जाए? 300 पिक्सल हो जाए। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, होवर करते हैं, देखिए 300 पिक्सल हो गई है। ये देखिए, कम करना चाहते हैं तो कम भी हो जाएगी। पहले 100 पिक्सल थी, अपन चाहते हैं कि 20 पिक्सल हो जाए, तो 20 पिक्सल भी हो जाएगी। ये देखिए, ये 20 पिक्सल भी हो गई है। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं स्टूडेंट, कि कोई जरूरी नहीं है आपको ये ड्यू पर ही अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको ड्यू पे बता रहा हूं, तो कोई स्टूडेंट ऐसे सोचे कि ये ड्यू पर ही अप्लाई होता है, नहीं। HTML के किसी भी एलिमेंट पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ड्यू में अपने को ऑप्शन ये ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आप हेडिंग पे अप्लाई करोगे तो हेडिंग में क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ तो टेक्स्ट की होती नहीं है ना। तो इसलिए चलिए मैं आपको एक हेडिंग पे लगा के ही दिखा देता हूं। मैंने लगाई H1, H1 लगाया मैंने, लिखा दिस इज PCC अकेडमी YouTube चैनल। हेडिंग को बंद कर दिया। अब इस पे लगाते हैं। देखो, पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूं क्या, पहले मैं इसको टारगेट करता हूं, किसको? H1 को। H1 को मैंने टारगेट किया और इस पे कुछ सेट कर देता हूं मैं, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूं मैं रेड, ठीक है। टेक्स्ट का कलर कर देता हूं मैं ग्रीन कर दिया मैंने, ये गलत हो गया, कलर कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। उसके बाद में मैं करता हूं फॉन्ट साइज मैंने कर दी है 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में मैं कलर कर दिया मैंने, ठीक है, इतनी बहुत है। अब मैं चाहता हूं कि जब इस पे हावर करूं तो इस पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो, तो सबसे पहले तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अपन करना चाहते हैं कलर, किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, कलर पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी देनी पड़ेगी आपको। तो अपन ने दे दिया ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मैं देता हूं इस बार 3 सेकेंड का, ठीक है। अब इसको ट्रिक कैसे करेंगे, H1 कॉलन क्या करना है, होवर करना है। और किस पे लगाया अपन ने, कलर पे लगाया, तो मैंने कहा कलर हो जाए इसका, पहले कलर कैसा है, ग्रीन है, तो मैं चाहता हूं इसका कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। चलिए चल के देखते हैं, H1 पे होवर करते हैं। देखिए H1 पे आ गया है, देखिए मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा ब्लू हो गया है। चलिए येलो अच्छा दिखेगा, तो अपन येलो चेंज करके देखते हैं, क्या चेंज किया मैंने, येलो। तो देखिए होवर करते हैं, ये देखिए, आप और भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करेंगे आप, जैसे आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी अपन चेंज करके मैं आपको और दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं क्या चेंज हो जाए, फॉन्ट साइज। तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट साइज पहले अपनी 40 पिक्सल है, अपन चाहते हैं 100 पिक्सल हो जाए। चलिए चल करके चेक करते हैं, देखिए ये देखिए काम कर रहा है, कम भी कर सकते हैं अपन। मैं चाहता हूं कि 10 पिक्सल हो जाए, 10 पिक्सल हो जाएगी, ये देखिए। तो ये कतई नहीं समझना आपको कि ये केवल किस पर काम करता है, ड्यू पर कार्य करता है। किसी भी एलिमेंट पर आप कार्य करवा सकते हो। ड्यू पर चूंकि ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, इसलिए मैं किस पर अप्लाई कर रहा हूं, ड्यू पर अप्लाई कर रहा हूं। इसको मैं हटा देता हूं, तो मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। अब वापस से चलते हैं अपने ड्यू के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहूं तो सभी पे अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं यहां यूज करूंगा ऑल का। किसका यूज करूंगा, ऑल लिख दूंगा,
और जो भी आपको ड्यूरेशन देना है, जैसे मुझे 4 सेकंड का देना है तो 4 सेकंड कर दूंगा। अब जिस जिस पे अप्लाई करना है आपको वो लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ विड्थ हो जाए 400 पिक्सल, विड्थ हो जाए 400 पिक्सल, हाइट हो जाए 300 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज हो जाए 500 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ये 3 पे अप्लाई हो, इनमें से लगाया अपन ने ऑल है, जिस पे अप्लाई करना चाहते हो वो यहां आप लिख सकते हो। देखिए आउटपुट पे चलते हैं, ये देखिए पहले फॉन्ट हुआ, अब क्या हो रहा है, हाइट हो रहा है और विड्थ हो रही है, सारे अप्लाई हो रहे हैं। देखिए ये देखिए विड्थ अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ विड्थ, चलिए इसको देते हैं थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम। विड्थ में यहां अपन ने गड़बड़ करी है इसलिए अप्लाई नहीं हुआ, चलिए वापस चेक करते हैं। देखिए विड्थ भी अप्लाई हो रहा है, हाइट भी अप्लाई हो रहा है और फॉन्ट भी अप्लाई हो रहा है। विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, मैं कर देता हूं 600, इसको करता हूं 200 और इसको भी थोड़ा कम करते हैं 400, नहीं तो ये डिव से बाहर जा रहा है। अब देखिए देखिए आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि अभी तो देखिए ये सभी कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि विड्थ अलग सेकंड में कंप्लीट हो, हाइट अलग सेकंड में कंप्लीट हो, नहीं समझे। जैसे मैं चाहता हूं कि हाइट जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, ये 200 पिक्सल कितने सेकंड में हो जाए, 1 सेकंड में हो जाए। विड्थ 3 सेकंड में कंप्लीट हो, कितने सेकंड में कंप्लीट हो, एक बार 2 के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हटा दीजिए आप और एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसको आपको लिखना है, केवल लिखना है ट्रांजिशन, क्या लिखना है ट्रांजिशन। फिर लिखना है हाइट, हाइट अपन चाहते हैं कि 1 सेकंड में कंप्लीट हो और विड्थ अपन चाहते हैं, विड्थ अपन चाहते हैं 5 सेकंड में कंप्लीट हो, ठीक है। तो देखिए अब आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही ईमानदारी से देखिए, हाइट क्यों नहीं आई, हाइट का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है अपन ने, हाइट पहले ही 200 है, अभी भी कितनी कर दी 200 कर दी, इसलिए नहीं आई। 400 करके चेक करते हैं, देखिए ये हाइट कंप्लीट हो गई है 1 सेकंड में। अब कौन चल रही है, अभी भी चल रही है, देखिए विड्थ चल रही है। और मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा करके दिखा देता हूं, हाइट कितनी है 1 सेकंड है, विड्थ कितनी है 8 सेकंड है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गई हाइट, अब क्या चल रही है, देखिए विड्थ चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, समझ में आया होगा। ये देखिए तो आप इस प्रकार से अलग अलग ड्यूरेशन भी चला करके देख सकते हैं। उसके बाद में एक फंक्शन भी अपन यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसकी कई वैल्यूज होती है, वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूं। तो अपन लगाएंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, ये लिखना है आपको। और इसकी पहली वैल्यू होती है, इसकी जो पहली वैल्यू होती है इज, पहली वैल्यू कौन सी होती है, इज होती है। इससे क्या होता है, इससे ट्रांजिशन जो चलेगा, चाहे एक पे ही बताऊंगा मैं आपको ताकि आपके ज्यादा समझ में आएगा, विड्थ पे, किस पे बताया मैंने, विड्थ के ऊपर बता दिया है, अच्छा वो हटा दिया मैंने, हटाना नहीं है, ट्रांजिशन हाइट, ट्रांजिशन और मैंने कर दी विड्थ, विड्थ कंप्लीट हो मेरी 5 सेकंड में, ठीक है। इससे क्या होगा, जब विड्थ बढ़ेगी, जब विड्थ बढ़ेगी तो शुरू में क्या होगा, स्लो होगा, बीच में फास्ट होगा और लास्ट में वापस से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, देखिए शुरू में क्या बताया मैंने, स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो, देखिए स्लो, अब देखिए फास्ट है और वापस क्या हो गया, स्लो हो गया। थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं, अब देखिए स्लो है, अब देखिए फास्ट है और अब देखिए वापस क्या हो गया, स्लो हो गया है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है ईज प्रॉपर्टी, वापस से दिखाता हूं, आप अपने कंप्यूटर में करोगे तो ये बेटर आपके समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन आप जैसे ही खुद के कंप्यूटर पे और ध्यान से देखोगे
तो आपके समझ में बिल्कुल आने वाला है। देखिए स्लो है, अब देखिए फास्ट है, और वापस से क्या हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा स्लो। तो ये ईज प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ईज प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लीनियर। ये क्या करता है? लीनियर, लीनियर का मतलब ही लाइन वाइज है। तो ये शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही स्पीड में आपके ट्रांजिशन को चलाएगा। देखिए कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा, जो 10 सेकंड दिए हैं आपको 10 सेकंड पूरा लेगा और कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। देखिए समझ में आ गया होगा लीनियर का। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या होती है, ईज, ईज इन। ईज इन क्या कहता है? ईज इन कहता है स्टार्टिंग तो करो स्लो, स्टार्टिंग तो क्या करो, स्लो करो, और बाद में क्या हो जाओ, फास्ट हो जाओ। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग देखिए बिल्कुल स्लो हो रही है बिल्कुल, अब देखिए धीरे 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 क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। देखिए फास्ट हो गया है, फास्ट हो गया है बिल्कुल। जैसे एक धावक जो रनर होता है वो दौड़ता है तो धीरे धीरे स्टार्ट करता है और लास्ट में अपनी गति को पकड़ता है, वो ईज इन है। देखिए वापस से दिखाता हूं एक बार से, देखिए बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्लो है, अब देखिए फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है बिल्कुल। तो आपके समझ में आ गया होगा ईज इन। इसका विपरीत होता है, इसका अपोजिट होता है ईज आउट। स्टार्टिंग में फास्ट होता है और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखिए फास्ट है और धीरे 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 क्या हो रहा है, थोड़ी सी ड्यूरेशन अपन कम करते हैं ताकि फास्ट चले थोड़ा। हाँ ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में फास्ट होगा, देखिए अब धीरे 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 स्लो होता जाएगा। ये है ईज आउट। एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है ईज इन आउट। ईज इन आउट ये क्या करेगा, स्टार्टिंग स्लो करेगा, स्टार्ट क्या करेगा, स्लो करेगा, देन फास्ट होगा, मतलब बीच में फास्ट होगा और लास्ट में वापस से स्लो हो जाएगा। स्टार्टिंग क्या करेगा, स्लो करेगा, उसके बाद में बीच में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और लास्ट में वापस से स्लो हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग स्लो करेगा, बिल्कुल स्लो कर रहा है, अब देखिए फास्ट हो गया और वापस से क्या हो गया, स्लो हो गया। इस प्रकार से काम करता है इज इन आउट, इज इन आउट। अब आपने एक चीज और नोट करी होगी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूं, मतलब हावर करता हूं, ये प्रॉपर्टी चालू हो जाती है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं कर्सर लेके जाऊं, कुछ समय बाद ये जो अप्लाई किया अपने ट्रांजिशन वो अप्लाई हो, कुछ समय बाद, कुछ समय का वेट करें। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी लगानी पड़ेगी भाई? आपको लगानी पड़ेगी ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन क्या लगानी है? डिले प्रॉपर्टी। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब होवर करूं तो उसके 5 सेकंड के बाद में ये प्रॉपर्टी रन हो। कितने सेकंड के बाद में? 5 सेकंड के बाद में। तो देखिए मैं हावर कर रहा हूं, देखिए नहीं चल रहा, हावर कर दिया मैंने, नहीं चल रहा। जैसे ही 5 सेकंड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो देखिए वापस चल गया है। इस प्रकार से आप डिले भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या दे सकते हैं? डिले दे सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, देखिए मैंने हावर कर दिया है, कर्सर दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं चल रहा। जब तक 5 सेकंड, देखिए 5 सेकंड कंप्लीट हो गए और ये अपनी स्पीड से चल रहा है। इस प्रकार से ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो अप्लाई होते हैं। तो आई होप आपको ट्रांजिशन की सभी प्रॉपर्टीज भली और भांति समझ में आई होगी। आप इनका प्रैक्टिकल खुद करें, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाने वाली प्रॉपर्टीज होने वाली है ये, लेकिन इनका प्रैक्टिकल आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।